हेलो दोस्तों आज हम बात करने वाले हे कंगना रनौत के बारे में दो दिन पहले कंगना को चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर महिला ऑफिसर ने थप्पड़ मार दिया था और जिस बात की उम्मीद की जा रही थी ठीक वैसा ही हो रहा है कंगना राणावत के गाल पर थप्पड़ पड़ने का जश्न पूरा बॉलीवुड मना रहा है बॉलीवुड में एक भी ऐसा स्टार सामने नहीं आया जिसने कंगना को थप्पड़ मारने की निंदा की हो बल्कि इस बात की तो खुशी मनाई जा रही है चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना को एक सीआईएसएफ कांस्टेबल कॉन्स्टेबल ने ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया लेकिन हैरानी इस बात की है कि जो बॉलीवुड अपने एक्टर्स के साथ जरा ज़रा सी घटना पर खड़ा हो जाता था आज वह अपनी इंडस्ट्री की एक, एक एक्ट्रेस को पीटे जाने पर बिल्कुल खामोशी से तमाशा देख रहा है ये बात जग जाहिर है कि बॉलीवुड के एक्टर्स कंगना को ज़्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि वह बेबाकी से अपनी राय रखती हैं लेकिन जो बॉलीवुड सुशांत मामले और ड्रग्स केस में फंसने पर रिया चक्रवर्ती के साथ खड़ा रहा जो मुंबई बम ब्लास्ट मामले में संजय दत्त के साथ खड़ा रहा वह आज कंगना के साथ कहीं नजर नहीं आ रहा है इस बीच बॉलीवुड की चुप्पी पर कंगना ने उन्हें आड़े हाथों लिया है अटैक के बाद आप सभी या तो जश्न मना रहे हैं या पूरी तरह से चुप हैं याद रखें कि अगर कल आप अपने देश की किसी सड़क पर या दुनिया में कहीं और निहत चल रहे हो और कोई इजरायली फिलिस्तीन आपको या आपके बच्चों को सिर्फ इसलिए मार देगा क्योंकि आपने राफा को नजरअंदाज करने की कोशिश की या इसराइल के साथ खड़े हुए मैं आपके बोलने की आज़ादी के अधिकार के लिए लड़ रही हूं कंगना फिलहाल बहुत गुस्से में है क्योंकि उनके साथ कोई खड़ा नहीं है क्योंकि उनके साथ कोई बॉलीवुड स्टार खड़ा नहीं है कंगना रनौत एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक इन से निकल रही थी तब महिला जवान ने उन पर हाथ उठाया कंगना ने इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई है कंगना को थप्पड़ मारने वाली सीआईसीएफ की जवान उनके किसान आंदोलन में दिए गए बयान से आहत थी भाजपा सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली महिला कांस्टेबल को तरह तरह के कभी नौकरी के ऑफ़र मिल रहे हैं तो तोहफ़े मिल रहे हैं हालांकि बाद में जब वजह सामने आई तो वो भी हैरान करने वाली थी दरअसल ये जो सीएसएफ महिला जवान है कुलविंदर कौर कंगना के बयान से बहुत ज़्यादा आहत थी जिसके बाद उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया हालांकि कंगना को थप्पड़ मारने के बाद कुलविंदर कौर को सस्पेंड कर दिया गया है उस पर महिला कांस्टेबल कुलविंदर को इनाम में सोने की अंगूठी और किताबें भी भेजा जा रहा है जानकर आपको हैरानी हो सकती है लेकिन साथ से भी उन्हें तोहफ़े मिल रहे हैं